बात करने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल वर्सेस दिल्ली कैपिटल। तो गाइस अगर इसके आपके हाईलाइट देखना है तो आप IPL220.com पे देख सकते हैं, और आपके आसानी के लिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके आप इस मैच की हाईलाइट का मज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं हम दिल्ली कैपिटल की बैटिंग की तरफ, जिन्होंने 184 रन बनाए 8 विकेट पर, 3119 रन, 55 रन, सिरेज अय्यर 22 रन, पंत 5 रन, मार्कस टोनी 39 रन। इसके बाद जो बल्लेबाज आए हैं हकमाए बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 5 छक्के 1 चौके लाए 24 बॉल पे 45 रन, अर्शद पटेल 16 रन, अक्षर पटेल 1 छक्के और 2 चौके की मदद से 8 बॉल पे 17 रन सॉरी। इसके बाद बॉलर की तरफ जाए तो वरुण ने 2 ओवर 25 रन, दूसरा अर्चर 24 रन, 4 ओवर 3 विकेट, राहुल तिवटिया ने 4 ओवर करके 20 रन दिया और एक महत्वपूर्ण विकेट थी। इसके बाद राजस्थान रॉयल की बैटिंग की तरफ चलते, शुरुआत अच्छी रही जायसवाल और जॉस बटलर की, लेकिन जॉस बटलर की विकेट सिर्फ 13 रन पे चले गए। स्मित आए 1 छक्के और 2 चौके की मदद से 24 रन बनाया। उसके बाद सिमी सैमसन हल्के में गए और लेमरो हल्के में गए, राहुल तिवटिया अच्छी बल्लेबाजी की और इस मैच को यहाँ पर जीत लिया है राजस्थान रॉयल। और सबसे खास बात बताएं तो अश्विन बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, 4 ओवर करके 22 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए।